स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सल वाला केस डिस्कस किया है, बार मैग्नेट के कारण जो एक्सल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है हमने उसका फॉर्मूला सोल्व किया था। ठीक है, हमारा सेकंड केस है बेन पॉइंट पी लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। सबसे पहले हम एक बार मैग्नेट कंसिडर करेंगे। बार मैग्नेट के टू पोल हैं, साउथ एंड नॉर्थ। ठीक है, बार मैग्नेट की लेंथ है 2L, बार मैग्नेट का सेंटर है O। हम सेंटर से एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे जो कि D डिस्टेंस पे है। अब साउथ पोल के कारण भी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी, नॉर्थ पोल के कारण भी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई PON। ठीक है, ये एंगल हमारे पास थीटा है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करेंगे तो पी एन की वैल्यू आ गई स्केयर रूट डी स्केयर प्लस एल स्केयर। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट पॉइंट फोर पाई एम अपॉन एन पी का स्केयर, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने एन पी कंसिडर किया है। अब हम एन पी की वैल्यू पुट कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से एन पी की वैल्यू आई है स्केयर रूट डी स्केयर प्लस एल स्केयर। यहाँ पे स्केयर है इसलिए स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई डी स्केयर प्लस एल स्केयर। अब इसकी डायरेक्शन देखो अलोंग एन पी, इसकी डायरेक्शन अलोंग एन पी क्यों आएगी, इस साइड क्यों आएगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से दूर जाती है। ठीक है, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आएगी ये वाली। अब इसके टू कंपोनेंट होंगे, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी सर्टन एंगल पे लाई करती है तो उसके टू कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, बी साइन थीटा एंड बी कोस थीटा। बी साइन थीटा कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस है, वी कोस थीटा कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है। देखो जो वी साइन थीटा कंपोनेंट है वो अपवर्ड है। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। साउथ पोल के कारण पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है उसको हमने बी डैश का नेम दे दिया इज इक्वल टू म्यू नॉट पॉइंट फोर पाई एम पॉइंट एस पी स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस एस पी है, इसकी वैल्यू भी ये वाली आएगी क्योंकि पी एस ओ एंड पी ओ एंड ट्रायंगल सेम है, बट इसकी डायरेक्शन इस साइड आएगी। ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन फोर्स होती है आउटसाइड द बार मैग्नेट साउथ पोल के टुवर्ड जाती है, इसको हमने बी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बी डैश के भी टू कंपोनेंट होंगे, बी डैश कोस थीटा एंड बी डैश साइन थीटा। जो बी डैश साइन थीटा कंपोनेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो बी साइन थीटा कंपोनेंट है वो वर्टिकली अपवर्ड है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए बी साइन थीटा एंड बी डैश साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। जो बी कोस थीटा बी डैश कोस थीटा कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे एड अप। अब जो इक्वेटोरियल के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने बी टू से मैंशन कर दिया, सो बी टू इज इक्वल टू वी कोस थीटा प्लस बी डैश कोस थीटा। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इसकी जगह पे राइट कर सकते हैं टू बी डैश कोस थीटा, उसकी डायरेक्शन इस साइड आएगी। अब हम बी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट पॉइंट फोर पाई एम पॉइंट डी स्केयर प्लस एल स्केयर। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डी पॉइंट स्केयर रूट डी एल पॉइंट स्केयर रूट डी स्केयर प्लस एल स्केयर, क्योंकि जो हमारे पास बेस था वो L है। ठीक है, और कोस किसके इक्वल होता है, बेस पॉन हाइपो, हाइपो की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2ml को हमने इकट्ठा करके लिख लिया, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, इसलिए डी स्केयर प्लस एल स्केयर की पावर आ गई 3/2। ओके, अब m इंटू 2l क्या होता है m, इसलिए जो पॉइंट P है ठीक है वो हमने इक्वेटोरियल लाइन पे कंसीडर किया था, बार मैग्नेट के कारण पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट पॉइंट फोर पाई
एम अपॉन डी स्केयर प्लस एल स्केयर का 3/2 पावर। अब देखो अगर मतलब कि बार मैग्नेट की लेंथ है जो शॉर्ट है, सो डी एल स्केयर वेरी वेरी लेस देन डी स्केयर, ठीक है। हम यहाँ पे एल स्केयर को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे पावर स्केयर है, यहाँ पे पावर 3/2 है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो बी 2 की वैल्यू आ गई म्यू नोट पोन 4 पाई एम पोन डी का क्यूब। देखो डी स्केयर ये है, यहाँ पे भी स्केयर है, स्केयर के साथ स्केयर कैंसिल हो गया। देखो जो बी 1 की वैल्यू आई थी और बी 2 की वैल्यू आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बी 1 पोन बी 2 इज इक्वल टू 2। बी 1 की हमारे पास वैल्यू आई थी म्यू नोट पोन 4 पाई 2 एम पोन डी का क्यूब, ओके। अब हम इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो बी 1 पोन बी 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब देखो हैंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन ऑफ द मैग्नेट इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट एट द सेम पॉइंट। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जो पॉइंट पी पे एक्सल लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोड्यूस होती है वो इक्वेटोरियल लाइन के कारण जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोड्यूस होती है वो डबल होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 2 आर्टिकल सोल्व किए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट पी जो हमने पॉइंट पी एक्सल लाइन पे कंसीडर किया था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट पी हमने इक्वेटोरियल लाइन पे कंसीडर किया था। बेटा ये आर्टिकल बिल्कुल ईजी है, आपने साथ के साथ केयरफुली होके वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।